नमस्ते साथियों, फिर से आप लोगों को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, इन चूजों का ये 12 नंबर दिन है, डे 12 है, और 12 नंबर दिन में इन चूजों का ग्रोथ कैसा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथियों, नियम अनुसार हमें चूजों को 7 नंबर दिन में F1 वैक्सीन करना होता है और 12 नंबर दिन में IVD वैक्सीन करना होता है। मैंने F1 वैक्सीन तो 7 दिन में कर दिया, पर मैं IVD वैक्सीन इन चूजों को 12 नंबर दिन में नहीं करूंगा। कुछ असुविधा के कारण मैं इन्हें 13 नंबर दिन में IVD वैक्सीन करूंगा। तो डे 13 में आप लोगों को वीडियो मिलेगा कि IVD वैक्सीन हम चूजों को किस तरीके से करते हैं। प्लीज़ आप लोग वो वीडियो मिस मत करना। साथियों, 12 नंबर दिन का ये रात का समय है और रात के समय में मैंने फिर से इन चूजों को एंटीबायोटिक दे के रखा हुआ है। आप लोगों को शायद पता ही होगा, 9 नंबर दिन से फिर से मैंने इन चूजों को एंटीबायोटिक का कोर्स चालू कर दिया है और आज 12 नंबर दिन है और कंटिन्यूली 9 नंबर दिन से 12 नंबर दिन तक 4 दिन मैंने इन चूजों को एंटीबायोटिक दे दिया है, दिन में एक बार पानी में मिलाकर। और साथियों, मैंने अभी इन चूजों को विमारल देना बंद कर दिया है क्योंकि मैं इन्हें एंटीबायोटिक दे रहा हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ था कि दिन में एक बार सिर्फ हमें एक ही मेडिसिन देना है, दो मेडिसिन नहीं देना है। अब मैं फ़िलहाल इन्हें एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, इसलिए मैंने इन्हें विमारल देना बंद कर दिया है। जब एंटीबायोटिक का कोर्स कम्प्लीट हो जाएगा तब मैं इन्हें विमारल दूंगा। एक बात हमेशा याद रखिए साथियों, जब हमें हम इन चूजों को वैक्सीन करेंगे या एंटीबायोटिक देंगे तब हमें इन्हें विमारल नहीं देना है। जब हम इन्हें विमारल देंगे तब हमें एंटीबायोटिक नहीं देना है, मतलब दिन में एक बार सिर्फ एक ही मेडिसिन देना है। साथियों, अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना। साथियों, रात के समय में हमें फार्म को इस तरीके से ढकना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरे फार्म को इस तरीके से प्लास्टिक से ढका हुआ है, वो इसलिए ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर आ ना पाए और चूजों को ठंड ना लगे, इसलिए मैंने पूरे फार्म को इस तरीके से प्लास्टिक से ढका हुआ है। और सुबह होते ही हमें ये प्लास्टिक या पर्दा हमें ऊपर उठा देना है, वो इसलिए ताकि अंदर की जो भी गैस है वो बाहर जाए। साथियों, एंड में आप लोगों को एक ही विनती करना चाहूंगा, 13 नंबर दिन में यानी कि डे 13 में जो वीडियो आएगा आप लोग प्लीज वो वीडियो मिस मत करना, क्योंकि डे 13 में हम इन चूजों को IVD वैक्सीन करेंगे और IVD वैक्सीन मुर्गी के लिए बहुत ही जरूरी होता है एक बड़ी बीमारी से बचाने के लिए। और ये IVD वैक्सीन मुर्गी को किस तरीके से किया जाता है आप लोगों को मैं उस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज आप लोग वो वीडियो मिस मत करना। साथियों, अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 11 नंबर दिन तक का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, आप लोग वो लिंक क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथियों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों कोई सुझाव है, कोई बातें हैं और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना। और साथियों, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक देके रखा हुआ है, आप लोग मुझे वहां जाके भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।